ये देखिए दोस्तों, यहाँ घी में गुंटूर इडली का मसाला जा रहा है और इसको मिक्स कर रहे हैं अभी, और इसके अंदर ना थोड़ा सा घर का मसाला भी मिलाएंगे तो इडली में थोड़ा सा टेस्ट आता है, अच्छा लगता है, मतलब खाने में इडली का पूरा टेस्ट चेंज हो जाता है और फ्राइड इडली और अच्छा लगता है खाने के लिए, इसीलिए भैया जी यहाँ पे डाल रहे हैं ये और इसको मिक्स करेंगे पूरा। तो आप बताना बना सकते कि कैसा बना और अच्छा लगेगा आपको ऐसे बना के खाने में। आप घर का मसाला भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि गुंटूर इडली ही चाहिए इसके लिए। अच्छा अच्छा तुम बनाए बोल के लो, बहुत अच्छा लगता है इसे खाने के लिए। और ये देखिए आगे पीनट की चटनी, मतलब शिंगदाने की चटनी मूंगफली की, और ये गुंटूर इडली अभी इसके अंदर डाल रहे भैया जी, बन गई मतलब गुंटूर। अरे गिर गई, कोई बात नहीं, दूसरा ले लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे बन रहा है उड़ीद वड़ा। उड़ीद वड़ा मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसे बनाते हुए, क्योंकि ना ये कितने अच्छे से उसका बैटर एक कटोरी, मतलब कटोरी लेके उसके ऊपर कपड़ा लगाया उसकी वजह से कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। और ऐसे ही बनाते हैं फिंगर बीच में करके, तो ये उड़ीद वड़ा बना। इसको ब्राउन होने तक पकने देंगे, अभी सारे मतलब रिफाइंड ऑयल में। ये देखिए दोस्तों, भैया जी ने यहाँ पे डोसा डाल दिया है तावे पे, और इसके ऊपर थोड़ा सा ये गुंटूर मसाला डालेंगे जो थोड़ा अच्छा लगेगा खाने में। ये इसके ऊपर आ गया मसाला गाइस, आलू का मसाला अलग से लेते हैं क्योंकि इसी के मतलब लगा देते हैं ना, थोड़ी देर के बाद में थोड़ा नरम नरम हो जाता है। और ये देखिए घी डाला, बटर नहीं, इसके ऊपर आ गया बटर, खाने से थोड़ा फैट वगैरह बढ़ता है, बटर नहीं डालते क्योंकि सेहत का भी ध्यान रखना होता है। क्रिस्पी होने तक पकाएंगे भैया जी, थोड़ा क्रिस्पी होने तक इसको पकाएगा तो अच्छा लगेगा। और ये मिक्स कर, जिसको भी खाना हो कमेंट करके बताइए। अब तक आप दूसरा देख लीजिए प्लेटर कैसे सजा, तो आप देख सकते हो गाइस आज पूरा साउथ इंडियन डिश बना हुआ है। ये देखो ये छेना है, मतलब चॉकलेट छेना, और ये मीठा चटनी, ये हरा चटनी, और ये टमाटर चटनी है, और ये है। Thank you.